शामली की सर शादीलाल शुगर मिल पर वर्ष 2022-23 के करीब 200 करोड़ रुपए के बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पहले 10 दिनों तक शामली की शुगर मिल में प्रदर्शन किया, उसके बाद शामली कलेक्ट्रेट चौराहे पर 2 दिनों तक जाम लगाकर प्रदर्शन करते रहे। बुधवार की दोपहर को सभी किसानों ने अधिकारियों के आश्वासन पर जाम तो खोल दिया, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ब्याज के साथ बकाया गन्ना भुगतान नहीं होता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि शामली की सर शादीलाल शुगर मिल पर गन्ना किसानों का वर्ष 2022-23 का करीब 200 करोड़ रुपए बकाया है। वर्ष 2023-24 गन्ने के भुगतान तो मिल के समय पर कर दिया गया। शामली की शुगर मिल के मालिक ने एक निजी कंपनी को मिल बेच दी। जिस कंपनी ने शुगर मिल को खरीदा, उसने 2023-24 का तो संपूर्ण गन्ना भुगतान कर दिया, लेकिन किसानों का 2022-23 का गन्ना भुगतान अटक गया। बकाया गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत है। पिछले एक माह से लगातार शामली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय लोकदल के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी और एडीएम संतोष कुमार सिंह ने मिल प्रबंधन में किसानों के बीच वार्ता कर किश्तों में बकाया गन्ना भुगतान दिलाए जाने का आश्वासन दिया था, जिसमें 45 करोड़ रुपए की एक किश्त गन्ना किसानों को भेज दी गई थी और बाकी किश्तों के अनुसार गन्ना भुगतान कराया जाना था। लेकिन मिल प्रबंधन ने वादे के अनुसार गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, जिस पर किसान पुनः आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। 10 दिनों तक लगातार गन्ना किसान शुगर मिल के अंदर बैठ गए और धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों की एक नहीं सुनी गई तो गुस्साए किसानों ने कलेक्ट्रेट चौराहे को ही जाम कर दिया। 2 दिनों तक किसानों ने सड़क को रोक के रखा। अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन किसान कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना प्रदर्शन करते रहे। किसान नेता संजीव शास्त्री का कहना है कि जब तक गन्ना किसानों का मैं ब्याज के बकाया भुगतान नहीं होता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग यही है जो संजीव शास्त्री जी है, गन्ने का पेमेंट है 188 करोड़ रुपए, तो हमारा मूल ले रहा 52 करोड़ हमारा ब्याज बैठ गए। वो हमारा पैसा मिल जा, पहले जब इसने मिल खरीदा, जब ये बोल रहा था कि मैं 47 करोड़ की हर 15वें दिन किस्त दूंगा, 2-2.5 महीने में निपटा दूंगा, आज ही उस पेमेंट देने को तैयार नहीं। डीएम साहब हमारी सुन नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी लोग संज्ञान में जा लिया, वे भी नहीं सोच रहे, यहाँ तक वोट नहीं मिली, इसलिए भाई यहाँ इनका हेल्प ना करो, कर लें दो अभी तक जितना भी करें। अन्य मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है सारी बात। जब 2 दिन यहाँ जाम कर दिया इन्होंने, चक्का हाईवे जाम हो गया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जा LIU के थ्रू, यही मुद्दा है हमारा। तो हमारी सुनी जा, हर रही उसकी नहीं मिलेगा मरेंगे, मारना तो हमारे बस का नहीं, बस जहर खाएगा मरेंगे, मट्टी तेल छिड़क कर मरेंगे, हाथ दा करेंगे, अंत उठे नहीं हम करेंगे। ऐसा है ये बका भुगतान का मसला चल रहा, और ये चल रहा पिछले साल से बका भुगतान है, उस पर कोई भी मतलब है कि कार्रवाई नहीं चल रही। मेल बिक गया, मेल बिक गया, जिनने लिया उनने पैसा काट लिया, सब किसानों का, मजदूरों का, सब और काट के अपना काम करने लग रहा, किसानों को दे नहीं रहा, तो इसलिए धरना है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो इसकी आरसी कट रही, डिफाल्टर हो गया, अकबर इन्ना भुगतान नहीं दे रहा, 5-6 महीने की इसकी आरसी कट रही, उसमें 52 करोड़ रुपए जुट रहे, तो वो नहीं मिल रहे, उस पर कोई ब्याज पर कोई बात नहीं कर रहा, ADM DM कोई भी, हमने 20 बार मिल लिए, कहे वो कहते DCO को, DCO कहते उन्हें, तो मिल में बैठे बकाया भुगतान पर वहाँ भी ढंग नहीं बैठ रहा। हम ब्याज के लिए आए, हाँ जब ये हमें मिलते नहीं वहाँ, हम इनके धुरे आ लिए DM मर गई, अब यहाँ रोज पूछेंगे ब्याज के बारे में। हमें 52 करोड़ रुपये ब्याज जरूर चाहगा, मूल तो पहले ब्याज चाहगा और मूल भी चाहगा, दोनों चीज लेनी नु आए हम यहाँ, एक धरना वहाँ चल रहा, एक धरना यहाँ चला लगातार, और इतने संपूर्ण मैं ब्याज का भुगतान नहीं होने का, इतने उठ के नहीं जाने के, और खातों में नहीं जाने का, इतने इतने नहीं जाने के।